खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक मूवी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस मूवी में आपको धमाकेदार एक्शन, रोमांचक कहानी और दिल को दहला देने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे। बोधिधर्म एक तमिल ऐतिहासिक फिल्म है जिसका नाम सात आउम अरिवु 2011 है। यह फिल्म बोधिधर्म पर आधारित है जो एक भारतीय बौद्ध भिक्षु और मार्शल आर्टिस्ट थे। यहाँ इस फिल्म की कहानी और एक्शन सीन के बारे में कुछ जानकारी है। कहानी फिल्म की कहानी बोधिधर्म की जीवन कथा और उनकी महानता पर आधारित है। फिल्म दो समयावधियों में चलती है। एक प्राचीन समय बोधिधर्म को दक्षिण भारत के कांचीपुरम से चीन भेजा जाता है जहाँ वे लोगों को रोगों से बचाने, ध्यान और मार्शल आर्ट सिखाने में सहायता करते हैं। वे अपने असाधारण क्षमताओं और ज्ञान से चीन में बहुत सम्मान पाते हैं। वर्तमान समय एक बायोटेक इंजीनियर अरविंद सूर्या द्वारा अभिनीत और एक शोधकर्ता सुबह श्रुति हासन द्वारा अभिनीत बोधिधर्म की पुनर्जन्म की कहानी पर काम कर रहे होते हैं। उनके इस शोध के दौरान एक खतरनाक चीनी ऑपरेटिव डोंगली भारत में आता है और उसे रोकने के लिए अरविंद और सुबह को बोधिधर्म की शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। एक्शन सीन फिल्म में कई रोमांचक और उच्च गुणवत्ता वाले एक्शन सीन हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। एक मार्शल आर्ट सीन बोधिधर्म के किरदार द्वारा प्राचीन समय में दिखाए गए मार्शल आर्ट सीन बहुत प्रभावशाली हैं। उन्होंने विभिन्न मार्शल आर्ट्स कौशल दिखाए हैं जो दर्शकों को बहुत प्रभावित करते हैं। वर्तमान समय के संघर्ष अरविंद और सुबह द्वारा डोंगली से लड़ाई के सीन भी बहुत रोमांचक हैं। इन सीनों में अत्याधुनिक तकनीक और एक्शन को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। विशेष प्रभाव फिल्म में एक्शन सीनों में विशेष प्रभावों का उपयोग किया गया है जो सीनों को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। फिल्म का निर्देशन A.R. मुरुगदॉस ने किया है और इसमें संगीत हैरिस जयराज द्वारा दिया गया है। फिल्म में सूर्या, श्रुति हासन और जॉनी त्राई गुयेन ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। कुल मिलाकर सात आउम अरिवु एक्शन, ऐतिहासिक तत्व और रहस्य से भरी एक मनोरंजक फिल्म है जो बोधिधर्म की महानता और उनके योगदान को शानदार तरीके से प्रस्तुत करती है।